तो भाई देखो, ये जो गौतम गंभीर नाम का शख्स है ना, इसे लेके एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है कि चाहे तो आप गौतम गंभीर से प्यार कर सकते हो, चाहे तो आप गौतम गंभीर को हेट भी कर सकते हो भाई, एकदम नफरत कर सकते हो उस बंदे से, लेकिन उस बंदे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उस बंदे को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, वो बीच बीच में ऐसी कई सारी बातें करते हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, लेकिन एक चीज को लेकर भाई उन पर कोई भी शक नहीं कर सकता कि बंदा क्रिकेट के प्रति कमिटेड रहा है। हाँ ठीक है, दिमाग जो है वो इधर उधर की बातें करवा देता है, जिनमें से कई बातें बिना सर पैर की भी होती हैं, कई बातें बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी भी होती हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस चीज को लेकर उस बंदे पे कोई डाउट नहीं कर सकता कि उसके अंदर इतनी सी भी कमिटमेंट की कमी है। हर कोई इस बात पर यकीन करता है कि गौतम गंभीर को अगर कोई काम दोगे ना तो वो जान दे देगा, पर वो काम जरूर करेगा। अगर तुम उसको कोई टीम सौंपोगे तो भाई वो उस टीम के लिए अपना सब कुछ सौंप देगा। ऐसा ही कुछ हमने गंभीर को तब करते हुए देखा है जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मेंटरशिप करते थे, और ऐसा ही कुछ हम गंभीर को अब करते हुए देख रहे हैं जब एक बार वो फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स की मेंटरशिप संभाल रहे हैं। बीच में खबर आई थी ना कि शाहरुख खान ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन से कुछ ही वक्त पहले गौतम गंभीर के पास ब्लैंक चेक भिजवा दिया था कि भाई जो अमाउंट भरना है भर दो, लेकिन तुम मुझको अपनी टीम में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम जब से गए तब से हमारे दर से जीत भी चली गई, जो लाए आप ही लाए, एक बार आप चले गए तो कुछ आया ही नहीं। तो गौती भाई ने भी कहा कि ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, तो क्यों ना उस टीम के साथ जुड़ जाएं जिस टीम के साथ इतने साल जुड़े थे, जिस टीम के लिए हम इतने साल खेले थे। और भाई आते ही गौतम गंभीर ने अपनी टीम को पहला मैच जिता तो दिया, पर क्या आपको लगता है कि कल के इस मैच में सच में गौतम गंभीर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था? अगर नहीं लगता है तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि कल का मैच खत्म होने के बाद अगर आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखी होगी, और उस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब आंद्रे रसल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, अगर आपने आंद्रे रसल की बातें सुनी होंगी तो आपको अगर यकीन नहीं होता था कि गौतम गंभीर एक मेंटर के तौर पे क्या क्या कर सकते हैं, तो आंद्रे रसल की बात सुन के कल के दिन आपको 100% यकीन हो गया होता। पर चिंता मत करिए, अगर आपने वो बातें नहीं भी सुनी थी, अगर आपने वो बातें नहीं भी देखी थी, तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको एक क्रिकेट फैन होने के नाते सुनना चाहिए, देखना ही देखना चाहिए। पर उससे पहले कि आप कुछ सुने या फिर आप कुछ देखे, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंकी नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि भैया सिर्फ है हमारे क्रिकेट टाइम विद जोशी के व्यूअर्स के लिए, जहां पे आईपीएल 2024 को लेके एकदम एक्यूरेट फैंटेसी टीम आती है। हर मैच से पहले आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, वहां जाना है, फैंटेसी टीम्स को उठाना है, अपनी फैंटेसी टीम बनाना है, और भाई पैसा ही पैसा कमाना है। आईपीएल के अलावा जितने भी मैचेस ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं, सबकी प्रेडिक्शंस एकदम एक्यूरेट वहां पे आती है। बस उन प्रेडिक्शन को उठाओ, उसका इस्तेमाल करके अपनी टीम बनाओ, या कहीं भी कुछ प्रेडिक्शन करके भाई पैसा ही पैसा कमाओ। हम तो इनकी मदद से बहुत कमाते हैं, इसीलिए तो आपको बताते हैं भाई, अगर तुम बनाते हो फैंटेसी टीम या फिर करते हो कहीं पे भी कोई प्रेडिक्शन, तो अभी के अभी जाना है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप स्क्रीन पे है, जाके बस डीएम करना है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांगना है, और भाई आईपीएल 2024 में मैचेस देखने का मजा लेते-लेते पैसा ही पैसा छापना है, क्योंकि भाई मैं जानता हूं फैंटेसी टीम बनाना इतना आसान नहीं है। हर मैचेस को बंदा फॉलो नहीं कर पाता है, जान नहीं पाता है कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। अब कल का ही मैच ले लो, किसे पता था कि मिचेल स्टार्क जो है वो हक देंगे, किसे पता था कि क्लासन इतनी शानदार पारी खेलेंगे, किसे पता था कि अगर आंद्रे रसल को टीम में ले लिया तो खड़े खड़े पैसे ही पैसे बन जाएंगे। एक इंसान को सब कुछ पता था, कौन जीतने वाला है, कौन रन मारने वाला है, कौन विकेट लेने वाला है, और वो इंसान वो है जो इस क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को मैनेज करता है, वो टीम है जो इस टेलीग्राम चैनल के पीछे काम करती है। अगर तुम भी भाई जानना चाहते हो उनकी कलाकारी को, तो एक बार जाके इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, तुम खुद देख लोगे कि कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस यहां पे आ रही हैं। उसके बाद तुम भी इनकी प्रेडिक्शन उठाओगे, अपनी टीम बनाओगे और पैसा ही पैसा कमाओगे। तो वापस चले अपनी वीडियो पे। जैसा मैं कह रहा था कि कल का मैच खत्म होने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है और वहां पे आंद्रे रसल आते हैं अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई 25 बॉल पे 64 रन मारे थे, बॉलिंग में 2 विकेट भी लिए थे, तो मैन ऑफ द मैच तो उन्हीं का बनता था ना। हाँ, अगर एसआरएच जीत जाती तो हेनरिच क्लासन भी वो अवार्ड जीत सकते थे, लेकिन फिलहाल
बात तो सत्य यही है, मैच जीता केकेआर ने तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला आंद्रे रसल को। तो जब मैन ऑफ द मैच अवार्ड कलेक्ट करने आंद्रे रसल आए और उनसे पूछा गया कि एक लंबे वक्त के बाद केकेआर के लिए आपकी इतनी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है, आखिर इस परफॉर्मेंस के पीछे का राज क्या है, तो आंद्रे रसल बताते हैं कि इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है जिसका नाम है गौतम गंभीर। क्योंकि गौतम गंभीर ने केकेआर का कैंप ज्वाइन करते ही मुझसे ये कह दिया था कि आप मेरी टीम के सबसे की प्लेयर हैं, आपकी परफॉर्मेंस पूरे सीजन में कैसी रहेगी उस बेसिस पे असल में ये डिसाइड होगा कि केकेआर की परफॉर्मेंस आईपीएल 2024 में कैसी रहती है। क्योंकि आप बैटिंग भी करते हैं, आप बॉलिंग भी करते हैं, दोनों ही डिपार्टमेंट में इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका हमेशा से रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पिछले कुछ साल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, मुझे मालूम है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और आप जब इस सीजन में खेलने उतरेंगे तो आप वो करेंगे, आप उस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे जो आज तक आपने कभी नहीं दी। रसल कहते हैं कि जब कोई एक इंसान आप पे इतना फेथ दिखा दे तो डिलीवर करना तो बनता ही है ना, क्योंकि ये जो फेथ सामने वाला आप पे दिखाता है, ये भरोसा जो सामने वाला आप पे करता है, ये असल में आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि अपने आप ही आपके अंदर से परफॉर्मेंस निकलने लगती है। मतलब सच में गौती भाई ने बात तो एकदम सही करी, रसल जितना काम बैटिंग में करते हैं उतना ही काम बॉलिंग में करते हैं, दोनों ही डिपार्टमेंट में इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं। यही रीजन है कि भाई आंद्रे रसल कल के मैच में चले और केकेआर मैच जीत गई। और सबसे कमाल की बात तो कल के मैच में ये थी कि आंद्रे रसल के अलावा अगर एक दो प्लेयरों को छोड़ दें तो केकेआर के बैट्समैन चले ही नहीं थे। जरा सोचो जब इनके मेन बैट्समैन चलेंगे और ऊपर से तब जाके जब आंद्रे रसल की इस खतरनाक परफॉर्मेंस का तड़का लगेगा तो सोचो केकेआर क्या खतरनाक परफॉर्मेंस देगा। अब इससे आगे बढ़े तो भाई देखो, मुझे नहीं पता कि कल के मैच में तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, एसआरएच को या केकेआर को। अब भले ही तुम केकेआर को भी सपोर्ट कर रहे होगे, लेकिन जिस तरीके से हेनरिक क्लासन मैच खींच के लाए थे ना, तुम्हें भले ही एज अ केकेआर फैन खुशी तो हो रही होगी कि यार हम मैच जीत गए, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन कह लें, एज अ इंसान कह लें, हेनरिक क्लासन के लिए दुख तो हो रहा होगा, क्योंकि उस बंदे ने लगभग अपना सब कुछ झोंक दिया था इस मैच को जिताने के लिए, पर अंत में जीत जो है वो उसके हाथ नहीं लगी। हाँ ठीक है, केकेआर ने ये मैच जीत लिया, लेकिन असली विनर इस मैच का एक ही प्लेयर रहा जिसका नाम है हेनरिक क्लासन। देखो हेनरिक क्लासन के बारे में ना बहुत लोग को कुछ भी नहीं पता है, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो हेनरिक क्लासन की असली कहानी को जानते हैं। शायद आप में से बहुत लोग को यह भी नहीं पता होगा कि अभी बस कुछ ही महीने पहले हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, जबकि एज बंदे की अभी मात्र 32 साल है, पर उसके बावजूद भी हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट से सिर्फ इसलिए रिटायरमेंट की घोषणा कर दी क्योंकि उनको लगा कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट उनके साथ बेईमानी कर रहा है, उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। और ये जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं पॉलिटिक्स के, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से लगते रहे हैं। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हमेशा इस बात का दाग लगा रहता है कि इन्होंने ना जाने कितने टैलेंटेड क्रिकेटरों का जो करियर है बर्बाद कर दिया। आप फैब टू प्लेसेस का एग्जांपल ले सकते हैं, फैब टू प्लेसेस ना जाने कितने टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, अलग अलग लीग्स में जाते हैं और उन लीग्स में हाईएस्ट रन स्कोरर भी बनते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए ना जाने कितने साल से उन्होंने बैट तक नहीं उठाया है। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि फैब टू प्लेसेस को इसलिए नहीं खिलाया जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले उनको अपनी टीम के लायक नहीं मानते हैं? भाई टू प्लेसेस अगर आज भी साउथ अफ्रीका टीम में चले जाएं तो वाइड बॉल क्रिकेट में अपनी टीम के बेस्ट बैट्समैन होंगे, और ये बात साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को पता है, लेकिन भाई साउथ अफ्रीका वालों को इन टैलेंटेड क्रिकेटरों का करियर बर्बाद करने में क्या मजा आता है पता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत से प्लेयरों को जबरदस्ती फेवर किया जाता है जबकि वो असल में टीम में जगह भी डिजर्व नहीं करते। ऐसे इल्जाम एक वक्त पे एबीडी विलियर्स भी लगा चुके हैं, एक वक्त पे इमरान ताहिर भी लगा चुके हैं, और एक वक्त पे जैसा मैंने कहा डू प्लेसेस तो लगा ही चुके हैं, और कुछ ऐसे इल्जाम साउथ अफ्रीका क्रिकेट पे तब भी लगे थे जब हेनरिक क्लासन ने मात्र 32 की एज में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, जबकि वो अपने करियर के सबसे पीक पे चल रहे थे। पर अगर तुम सोच रहे हो कि क्यों एग्जैक्टली उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी, तो भाई यही रीजन था, हेनरिक क्लासन का मानना था कि वो टीम में जगह डिजर्व करते हैं, वो रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा खेल सकते हैं, और उनको हर बार ये कमिटमेंट दी जाती थी कि तुम्हें अगली सीरीज में ले जाया जाएगा, लेकिन अंत में जब टीम की अनाउंसमेंट होती थी तो हेनरिक क्लासन का नाम उस टीम में
होता ही नहीं था। तो बस क्लासेन इस बात से थक गए, वो परेशान हो गए कि बार बार उनको झूठी कमिटमेंट दी जाती हैं, लेकिन अंत में उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता है, उनके टैलेंट के साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं किया जाता है जो असल में वो डिजर्व करते हैं। तो बस उन्होंने कहा, मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं, जहां आप मुझको खिला रहे हैं मैं वहीं खेलता रहूंगा, और कल के दिन यहां पे भी लगा कि मेरे साथ नाइंसाफी करी जा रही है, तो मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दूंगा। तुम्हें पता है हेनरिक क्लासेन के बारे में एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है कि क्लासेन जो हैं वो कभी भी किसी चीज की मांग नहीं करते हैं। आप उनको टीम में रखेंगे तो ठीक, अगर आप नहीं रखेंगे तो भी ठीक। वो कभी भी आपके सामने इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, आपसे भीख नहीं मांगेंगे कि मुझे खिलाओ या मुझे टीम में रखो। उनको उसके बाद जो डिसीजन लेना होगा वो डिसीजन वो अपनी मर्जी से लेंगे, लेकिन कभी भी सामने से किसी बात का जिक्र तक नहीं करेंगे। अगर आप उनको अपनी टीम में ले रहे हैं तो वो कभी भी इस बात का जिक्र तक नहीं करेंगे कि मुझको ये रोल दिया जाए या मुझको इस पोजीशन पे खेलना है या मुझको ओपनिंग करनी है या मिडल ओवर में खेलना है या डेथ ओवर्स में खेलना है या मुझको विकेट कीपिंग करनी है या नहीं करनी है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं, वो सिंपल सी चीज कहते हैं कि मुझको बता दीजिएगा मुझको क्या करना है, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे कहां पे जाना है, मैं जाऊंगा काम करके आ जाऊंगा। बस यही क्लासेन करते रहे हैं। पिछले साल भी एसआरएच के लिए वो यही काम कर रहे थे। एकदम उनको जब मैच बिल्कुल रीच से निकल जाता था तब बैटिंग पे पिछले सीजन भेजा जाता था, वो आते थे लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से रन मारते थे, लेकिन मैच अंत में एसआरएच की जीत में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। इस साल भी देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल के मैच में भी बहुत लोगों ने ऐसा कहा था कि क्लासेन को भेजने में आपने बहुत देर कर दी, अगर क्लासेन कम से कम 3-4 ओवर पहले आ गए होते तो भाई कल का मैच एसआरएच बहुत ही आसानी से जीत गई होती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, क्लासेन को आप कहीं भी भेजेंगे वो कभी भी सामने से ये नहीं कहेंगे कि मुझको यहां पे भेजना था, या वो कभी भी ये नहीं कहेंगे भाई मुझको ऊपर भेज दो, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई तुमने मुझको नीचे भेजा इसलिए ये मैच हार गए हो, वरना मैं तो ये मैच बहुत ही आसानी जिता देता। मैं कब से ये बात कहता आ रहा हूं कि एसआरएच असल में क्लासेन के टैलेंट को बर्बाद कर रही है। उस बंदे को टाइम दो, उस बंदे को ऊपर खिला के मौका दो, वो भाई खड़े खड़े इतनी आसानी से आईपीएल 2024 की ऑरेंज कैप लेके चला जाएगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। क्या आपको भी लगता है कि एसआरएच हेनरिक क्लासेन के टैलेंट को बर्बाद कर रही है? क्या आपको भी लगता है कि कुछ ही महीने पहले हेनरिक क्लासेन ने जो साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी, इससे नुकसान असल में साउथ अफ्रीका का हुआ, हेनरिक क्लासेन का नहीं? उन्होंने बहुत बड़े टैलेंट की पहचान करने में गलती कर दी, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन नुकसान साउथ अफ्रीका क्रिकेट का ही हुआ। क्या आप इस बात बिलीव करते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या सच में गौतम गंभीर की केकेआर में हुई वापसी से केकेआर तीसरी बार आईपीएल की विजेता बन सकती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन यास्त, जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जहां पे हर मैच की फैंटेसी टीम सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट आप तक पहुंचती है, और सेम टाइम पे हर मैच की प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट आपको दी जाती है, कौन मैच जीतेगा, कौन रन मारेगा, कौन विकेट लेगा। कल के मैच में इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन भाई आई, जिसने ज्वाइन करके रखा था उसके मजे आ गए होंगे। तो ये स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल है हमारे क्रिक टाइम विद जोशी के व्यूअर्स के लिए, मतलब स्पेशल उनको एक ट्रीटमेंट है क्रिकेट जंकी की तरफ से। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम भी कर सकते हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मांग सकते हैं, मस्त अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, खुद ही अपडेट मिल जाएगी, सामने से मैसेज नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रेडिक्शन उठा के टीम वगैरह बनाना, पैसा कमाना। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।